सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर दस्तक देने वाली है। 21 मार्च के दिन स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता पर आधारित ए वतन मेरे वतन OTT पर स्ट्रीम होगी। ए वतन मेरे वतन में उषा मेहता की कहानी दिखाई जाएगी। उषा महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू किया था। अधिकारी उन्हें पकड़ न ले इस डर से वह हर दिन रेडियो स्टेशन की जगह बदलती रहती थी। वह रेडियो पर महात्मा गांधी सहित देश के प्रमुख नेताओं के रिकॉर्ड किए गए संदेश बजाती थी। 3 माह तक प्रसारण करने के बाद अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 4 साल तक जेल में बंद रखा। ट्रेलर की शुरुआत रेडियो से होती है। पहले रेडियो की और फिर रेडियो चलाने वाली 22 साल की उषा की झलक दिखाई जाती है। पीछे स्वतंत्रता सेनानी की आवाज सुनाई देती है और स्क्रीन पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को दिखाया जाता है। उषा अंग्रेजों से लड़ने से पहले अपनों से लड़ती है, उन्हें समझाती और एकजुट करने की कोशिश करती है। वह भारत को आजादी दिलाने में मदद करने के लिए गुपचुप तरीके से एक रेडियो स्टेशन खोलती है। ये रेडियो स्टेशन भारत छोड़ो आंदोलन की आग को हवा देने का जरिया बनता है और अंग्रेजों की नाक में दम कर देता है। ऐसे में अंग्रेज अपना सारा दम लगाकर रेडियो स्टेशन और उषा को ढूंढ निकालते हैं। वह उस पर खूब अत्याचार करते हैं। ट्रेलर देखने के बाद लोग सारा अली खान की तारीफ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सारा अली खान के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। इतना ही नहीं, वे इमरान हाशमी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी का स्पेशल अपीयरेंस है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।